सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे फ़ोन के बारे में बताऊंगा जो हमारा इंडियन ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों, जिस फ़ोन का नाम है माइक्रोमैक्स इन नोट वन एंड दूसरे फ़ोन का नाम है माइक्रोमैक्स इन वन बी। तो दोस्तों, इन दोनों फ़ोन का प्राइस से लेकर स्पेसिफिकेशन तक सब कुछ आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। तो माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा ने खुद कहा है कि ये फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अभी तक कोई फ़ोन नहीं लॉन्च हुआ था माइक्रोमैक्स का, तो ये बहुत ही अच्छा कमबैक है हमारे हिसाब से। तो दोस्तों, मेरा नाम है गोलू कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल ज़िंदगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट। तो अगर हम अपने पहले फ़ोन के बारे में बात करें तो जिसका नाम है माइक्रोमैक्स इन नोट वन। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोमैक्स इन नोट वन। और इसकी प्राइस की बात करें तो 10,999 के साथ इसमें 4 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज है। और अगर 12,499 वाले की बात करें तो इसमें 4 GB के साथ आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो दोस्तों, अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जो कि बहुत अच्छे पिक्सल्स आएंगे, आप सभी लोग अच्छे से उसमें इंजॉय कर सकते हैं। एंड इसके प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक का हीलियो का G85 प्रोसेसर है, जो गेमिंग के लिए और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ प्रोसेस कर सकता है। दोस्तों, अगर इसके बैटरी की बात करें तो 5000 mAh के साथ सी टाइप केबल के साथ 18W फास्ट चार्जिंग भी है। दोस्तों, बैटरी भी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। अगर कैमरे की बात करें तो रियर कैमरे में क्वाड कैमरा दिया गया है 48 MP के साथ, 5+2+2 MP का कैमरा है। अगर फ्रंट कैमरे सेल्फी की बात करें तो 16 MP के साथ ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों, फ़ोन ओवरऑल ये अच्छा ही है। और तो अपने दूसरे फ़ोन के बारे में बात करें तो माइक्रोमैक्स इन वन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है माइक्रोमैक्स इन वन बी। तो इसके प्राइस की बात करें तो 6,999 के साथ आपको 2 GB रैम के साथ 32 GB इंटरनल मिलेगी। और अगर 7,999 आप सभी लोग लगाते हैं तो इसमें आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। दोस्तों, इसकी भी डिस्प्ले उसके ही तरह सेम है, 6.67 फुल HD प्लस डिस्प्ले। एंड रैम की बात, रैम तो आपको बता ही चुके हैं। अगर बैटरी की बात करें तो इसमें भी 5000 mAh की बैटरी दी गई है, सी टाइप केबल इसमें नहीं है। एंड कैमरे की बात करें तो इसमें रियर डुअल कैमरे दिए गए हैं 13+2 MP का। एंड फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 MP के साथ ये फ़ोन अवेलेबल हुआ है। तो दोस्तों, फ़ोन ओवरऑल दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आप सभी लोग जाके खरीद सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को जो मैंने बताया वो समझ आया होगा, क्योंकि फ़ोन तो ओवरऑल अच्छा ही है, मेड इन इंडिया फ़ोन है, तो ऑफकोर्स आप सभी लोगों को ख़रीदना चाहिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।